सो हेलो गाइस, मैं हूं गौरव और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट छिपकली डायनासोर करीब 6 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे। एक डायनासोर आज के 10 से 15 हाथियों की जितना भारी भरकम हुआ करता था और इसलिए इनका नाम दिया गया था महादैत्य। तो क्या इन महादैत्य डायनासोर के भी उस जमाने में दैत्य हुआ करते थे? आज के जमाने में तो हाथी एक ऐसा जानवर है जो अगर भड़क जाए तो संभले नहीं संभलता है। तो क्या इन डायनासोर के उस जमाने में भी दुश्मन हुआ करते थे जिनसे ये थरथर कांपते थे? और आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी, लेकिन इसका जवाब है हाँ। कुछ ऐसे सांप उस जमाने में मौजूद थे जिन्होंने डायनासोर की जिंदगी में उदम मचा रखा था, और इन्हीं फैक्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मेरी तरह ही आप भी आखिर तक चौंकने वाले हैं। तो ये बात है 1987 की, जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पैलियंटोलॉजी के डायरेक्टर धनंजय महाबेक ऑफ पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के ढोली डोंगरी गाँव में के नदी के किनारे कुछ चीजें मिली। ये देखने में डायनासोर के फॉसिल और घोंसले लगे, जिनमें डायनासोर के अंडे के खोल के साथ साथ एक पूरी सांप की हड्डी का ढांचा मिला। महोबे को ये पता चला कि ये अंडे और हड्डियां डायनासोर की हैं, लेकिन जो फॉसिल उसके बाजू में कॉइल्ड और यानी कि रैप हुआ पड़ा था, आखिर वो किस चीज का था? और करीब 14 वर्ष के बाद 2001 में उन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के जेफ विल्सन ने जब ये सैंपल को देखा तो वह चौंक गए थे। उन्होंने कॉइल्ड हुई हड्डियों को जब एक साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया था तो सामने आया एक बड़ा अजगर जैसा सांप, जिसकी लंबाई 3.5 मीटर से भी ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन इनमें क्या खास बात थी? वेल, 6 करोड़ साल पहले अजगर जैसे सांप की नस्ल ही नहीं हुआ करती थी, तो ये खोज ही बड़ी सरप्राइजिंग थी। इस सांप को उन्होंने नाम दिया था सेनेजा इंडिकस। आज के मॉडर्न वर्ल्ड के पाइथन और बोआ, जिसकी लंबाई 21 फीट तक ही होती है, वो अपने आक्रामक बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। सन 2008 में इंडोनेशिया के म्यूनान आइलैंड में अजगर ने पूरे जिंदा आदमी को ही निगल लिया था, जिसके बाद लोगों ने सांप को चीर कर उस आदमी की लाश को बरामद किया था। और फ्लोरिडा में एक 14 किलो के पाइथन ने 16 किलो के हिरण को जिंदा निगल लिया था, यानी कि उसके खुद के वजन से भी ज़्यादा बड़े जानवर को। ये एनाकोंडा अपने बड़े शिकार को इसलिए निगल पाते हैं क्योंकि इनके जबड़े काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसे वो पूरी तरह से ओपन कर पाते हैं। और शिकार निगलते समय यह एक छोटी सी नली का इनके मुँह से बाहर निकल जाती है, जिससे कि बड़ा शिकार निगलने के बावजूद भी बिना दबाव या घुटन के ये सांस ले पाते हैं। वेल, ये तो बात हुई मॉडर्न स्नेक्स की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भयंकर हुआ करते थे इनके पूर्वज। प्री हिस्टोरिकल सांपों का तो आज के हिरणों को खाने से पेट ही नहीं भरेगा। जब अंतरिक्ष से आए महाविनाश से सारे डायनासोर मर गए थे, तो उनकी जगह ली 10 मिलियन साल बाद इन बड़े सांपों ने। और उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 34 से 36 सेल्सियस रहा होगा, जो कि स्नेक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहा था, जिससे कि वह गजब के साइज और वेट में ग्रो होने लगे। और कुछ समय पहले ही सैरेजन कोलंबिया की कोयले की खान में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसने सबको हैरान होने पर मजबूर कर दिया था। वो एक ऐसा विशाल फॉसिल था जिसका आकार एक लंबी बस की तरह था। जब पैलियंटोलॉजिस्ट ने उस फॉसिल को रिक्रिएट किया तो उन्हें पता लगा कि ये किसी ऐसे जानवर का कंकाल है जो कि पहले कभी 50 फीट तक लंबा, 4 फीट तक चौड़ा और करीबन 1 टन से भी ज़्यादा वजनी रहा होगा। ये आज के पाए गए दुनिया के सबसे बड़े एलाकोंडा की लंबाई से 2 गुना और वजन में 4 गुना बड़ा था। इस सांप को दिया गया था नाम टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ के नेम में खतरनाक जकड़ने की क्षमता होती थी, जो कि किसी भी डायनासोर को दम घुटकर मार दे सकता था और अपने शिकार की खोपड़ी को एक खिलौने की तरह तोड़ सकता था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि तब तक डायनासोर विलुप्त हो चुके थे, तो इन विशाल जीवों का शिकार आखिर कौन हुआ करते थे? वेल, बोरियोथीरम एंड बेरियोथीरम, जो कि आजकल के हमारे हाथियों के पूर्वज रहे थे, ये टाइटेनोबोआ का पसंदीदा शिकार हुआ करते थे, लेकिन आज ये भी विलुप्त हो चुके हैं। हालांकि ये टाइटेनोबोआ जहरीला नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की पृथ्वी पर पाए जाने वाले सैकड़ों सांप हैं जिनकी एक बाइट से हजारों चूहों को मौत की नींद सुनाई जा सकती है। और बिल्कुल इसी वजह से सांपों का एवोल्यूशन ह्यूमन एवोल्यूशन में काफ़ी मददगार साबित हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बिहेवियरल इकोलॉजिस्ट लैन एसाबेल के अनुसार प्राचीन सदी से ही सांप ही मैमल्स के मुख्य शिकारी रहे थे और इसीलिए इंसानों को इनसे बचने के लिए विकसित होना पड़ा था। क्या आपने ये नोटिस किया है कि जब आप किसी सांप को और दूसरे जानवर को एक साथ देखते हैं तो आपको ज़्यादा खतरनाक सांप ही लगता है? वो इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में सांप की झलक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालती है। 90% ऑफ द पल्व्यूरल
न्यूरॉन्स में से करीब 40% न्यूरॉन्स का इवोल्यूशन सांपों की इंसानी संपर्क की वजह से हुआ है और इसी वजह इंसानों की आंखें स्पष्ट और क्लियर दृष्टि के लिए सांप जिम्मेदार है। उसी 2006 की उनकी स्नेक डिटेक्शन थ्योरी में उन्होंने ये साबित किया था कि मेडागास्कर के लेम्बूर्स की आईसाइट एकदम पुअर है, जो कि अचानक से इवॉल्व नहीं हुई क्योंकि उनके इवोल्यूशन के समय पे उनके पूर्वज का संपर्क कभी सांपों से हुआ ही नहीं था। कितनी अजीब बात है ना, राइट? आज इंसान की यही आंखें चांद और तारों को देखती है, ब्रह्मांड को समझती है, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करती है और ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ सांपों की वजह से। तो सांप भाई, अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता, तो हम ये सब कैसे कर पाते? तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बिल्कुल कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। डेली लाइफ में जुड़े हुए साइंटिफिक फैक्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले बेल आइकन को भी साथ में दबा देना, ताकि आपको वीडियो मिले वो भी सबसे पहले। तो इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।